नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों आज मॉर्निंग से ही हम लोग वेट कर रहे थे कि झारखंड बीएड नामांकन सेशन 21-23 के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था दोस्तों, उसका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो पब्लिश कर दिया गया है। यानी कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग में और कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज मिला है उन कैंडिडेट्स को, सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। और मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे आपको चेक करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कैसे अपना PDF डाउनलोड करके अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो जैसा कि मैं झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल साइट में हूँ दोस्तों, आपको आ जाना है यहाँ पर। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे जैसे ही। तो आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, और नीचे आपको स्क्रॉल करना है और डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड प्रोविजनली थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड कोर्स, जो कि 26/10/2021 को पब्लिश हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी आप अपना लॉगिन आईडी से अपना डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर, और उसी को लेकर के और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के आपको कॉलेज जाना है और एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा PDF फाइल जो है अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, चलिए डाउनलोड करके ही आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है। कैसे आपको अपना नाम चेक करना है वो मैं बताने वाला हूँ, और आगे के जो प्रोसेस हैं वो भी बताने वाला हूँ। बस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड प्रोविजनली थ्रू फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, जो पहला राउंड का काउंसलिंग हुआ उसमें दोस्तों किन लोगों को कॉलेज मिला है, किन लोगों को कॉलेज रिकमेंड हुआ है, किन कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो चीज़ें आप यहाँ से अपना चेक कर पाओगे। तो इधर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर आपका सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, और इधर रैंक वगैरह है। और इधर लास्ट में आ जाओगे राइट साइड में आप, तो यहाँ पर आपको शो होगा कि आपको कौन सा कॉलेज रिकमेंड किया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूट अलॉटेड थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो इधर कॉलेज का नाम है, तो ऐसे आप अपना चेक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में है रानी पुष्पलता, रानी पुष्पलता को जैसे यहाँ पर मिला है संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा अपना एप्लीकेशन नंबर, या फिर अपना नाम सर्च कीजिएगा, या फिर CML रैंक यहाँ पर सर्च कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जहाँ पर नाम है वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा, और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 300 पेज का PDF है। फाइनली देख लेते हैं कितने लोगों का यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, ये है हमारा लास्ट पेज, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सीरियल नंबर कितना है, 11477। यानी कि फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ इसमें 11477 लोगों का कॉलेज अलॉट हुआ है। और इधर कौन कौन से कॉलेज में अलॉट हुआ है, राइट साइड में कॉलेज का नाम भी है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई होगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हूँ मैं, फिर भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे के जो भी प्रोसेस हैं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, एडमिशन कैसे लेना है, और जिनका कॉलेज अलॉट हो गया उनको आगे के प्रोसेसेस क्या हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आपको बने रहना है चैनल में, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।